मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे, अब आपने घर क्यों बेच दी? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ, पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज़। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी की रवायत है कि हम हमेशा ही पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करने के लिए आपसे ऐसे लोगों को मिलवाते हैं, ऐसे स्टार्स को मिलवाते हैं जिन्होंने अपने शोबे में रहते हुए बहुत सारे यानी कि एजाजात हासिल किए होते हैं, ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अपना नाम कमाया होता है अपने फ़न के बिहाव पर। यकीन मानिए, आज मेरी 128 जो एपिसोड होने जा रही है, और हर एक मेरी एपिसोड एक से बढ़ के एक है, और हर पर्सनैलिटी, हर शख्सियत ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुनफरिद और आला मुकाम का एजाज़ रखने वाली शख्सियात हैं। लेकिन आज जिस शख्सियत से मैं आपका तारुफ कराने जा रहा हूँ या जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी शख्सियत है अपने आप में, बहुत बड़ा नाम है मुल्क पाकिस्तान का, बहुत बड़ा एजाज़ है। मौजूदा दौर में जब पाकिस्तान के आजकल मौजूदा हालात बहुत ज़्यादा कश्मकश और टेंस जैसे माहौल है, माशी तौर के ऊपर या कदर अखलाकी तौर पर भी अगर देखें, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने तंज व मज़ा से, जो अपनी प्यारी प्यारी बातों से और अपने अशार के ज़रिए फूल बखेर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस गुलिस्तान को खिला रहे हैं फूलों की तरह। उसमें से एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसी शख्सियत जो जब पर्दे पर आती है, टेलीविज़न पर जब आती है, जब किसी वो मुशायरे की तशरीफ़ लाते हैं, तो उस मुशायरे का सारा जो कहते हैं माहौल को इस तरह से वो जगमगा जाता है उनके आने से या उनके शेर व शायरी से, कि वो जब वहाँ पर नहीं होते तो उनका कमी का एहसास महसूस होता है। जी हाँ, मेरे पास शायद अल्फाज नहीं हैं उनके तारुफ कराने के लिए, क्योंकि वो ख़ुद से ही बहुत बड़ी शख्सियत है। जब मैं उनसे आपका तारुफ कराऊंगा और वो अपनी कहानी खुद बताएंगे, तो ये एशियन ट्रेड टीवी के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, और ख्वाबों से तबीर तक के लिए, ख्वाबों से तबीर तक में आज वो मेरे मेहमान हसूसी होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैयद सलमान गिलानी साहब की। सैयद सलमान गिलानी साहब का नाम सुनते हुए आप समझ गए होंगे, चाहे जियो टेलीविज़न हो, चाहे दुनिया टेलीविज़न हो, और चाहे समा टेलीविज़न हो, चाहे ईद शो हो, तंज़ व मज़ाक की जब बात होती है और जब मुशायरा स्पेशली जब लोगों को हंसाने की बात होती है, तो सैयद सलमान गिलानी साहब का नाम सबसे पहले आता है। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी, बहुत सारे अवार्ड्स उनके पास है, इन चीज़ों की उनको ज़रूरत भी नहीं है। जितनी वही बात मैं कह रहा हूँ, जितनी बड़ी वो शख्सियत के मालिक खुद हैं। मेरी खुशकिस्मती है आज ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में सैयद सलमान गिलानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आज की कहानी जानता हूँ उनसे, उन्हीं की ज़बानी। अस्सलामु अलैकुम गिलानी साहब, वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में खुश आमदेद, पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनी। सर, जैसा कि मैंने अपने तारुफ में कहा कि आज मेरे लिए वाकई बहुत बड़ी एजाज़ की बात है, आज मेरी 128 एपिसोड होने जा रही है, और इतनी कदावर शख्सियत जिनको हम टेलीविज़न के ऊपर देखते देखते जवां हो गए, और आपके शेर सुनते सुनते हमारी ज़िंदगी में भी वो जो तलखी थी कहीं ना कहीं वो काफ़ी कम हो गई, और बहुत कुछ सीखा हमने, चाहे वो तंज हो चाहे मजाकिया बात हो, आपकी अदायगी से बहुत कुछ सीखा, बल्कि अजवाजी ज़िंदगी में अप्लाई भी किया बहुत जगह पर, काम भी आया हमारे। तो सर, आप थोड़ा सा बताइएगा सबसे पहले हमारे व्यूज़ को ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में, कि सलमान गिलानी हैं क्या बेसिकली, और ये सफ़र, ख्वाबों का ये सफ़र कहाँ से शुरू होता है? बहुत शुक्रिया शाहिद मियाँ साहब, आपकी तशरीफ़ फावरी का सबसे पहले तो मैं ममनून और शुक्रगुज़ार हूँ इस पर कि आपने इस काबिल समझा कि आप जिस तरह बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं, मैंने वो देखे हैं,
तो ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे उनमें शुमार किया है, वरना मनानम के मंदानम। हम तो समझते हैं कि हमारा, हमने एक हिस्सा डाला हुआ है माशरे में, कोई अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, कौले फराज अपने हिस्से की हम शम्मा जला रहे हैं इस माशरे को, अमन, तहजीब, प्यार, अदब, सकाफत, यानी इन चीज़ों में जो हमारी मुस्बत एक्टिविटीज़ हैं, इकदाम हैं, उसकी तरफ हम आज के इस दौर में जबकि हर तरफ दहशतगर्दी है, हर तरफ मार धाड़ है, टेंस है हाँ। तो उस दौर में हम चाहते हैं कि हम जिस तरह लोगों के अंदर ये महंगाई की वजह से जो एग्रेसिवनेस कम हो गई है, हम चाहते हैं कि इसको पूरी दुनिया में उसी तरह जैसे हम हमारा माशरा होना चाहिए ऐसा, तो हम अपने हिस्से की एक शम्मा जला रहे हैं। बस ये आप लोग अपने चैनलों के ज़रिए जब ये पैगाम पहुंचाते हैं तो यकीनन आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हो जाते हैं, क्योंकि नेकी का काम है और इसका इबलाग जो है, नेकी का इबलाग ये हर बंदे पर फ़र्ज़ है, हर इंसान पर फ़र्ज़ है, वो आप माशाल्लाह बखूबी निभा रहे हैं, तो मैं बहुत ही ममनून हूँ। जज़ाकअल्लाह जी, शुक्रिया बहुत बहुत। बाकी आपने फरमाया कि ख्वाबों की ताबीर, ख्वाब हर आदमी का डिफरेंट होता है। बचपन में, लड़कपन में आदमी ये सोचता है कि यार मैं जैसे सेलिब्रिटीज़ को देखता है कि मैं ऐसा बन जाऊँ, फिर थोड़ी देर बाद कोई और सेलिब्रिटी नज़र आता है, नहीं यार ये प्लेयर बन जाता है, फिर वो कहीं और कोई कोई कुछ सिंगर पसंद आ जाता है, ओ यार मेरी आवाज़ तो अल्लाह ने अच्छी दी है, मैं क्यों ना ये रफ़ी बन जाऊँ, मोहम्मद रफ़ी बन जाऊँ। देखा तो इस तरह चेंज होते रहते हैं। तो मेरे घर में शायरी का माहौल था, बड़े बड़े शोरा मेरे घर में वाले साहब की वजह से तशरीफ़ लाया करते थे, जिनमें उस वक़्त के मतलब है अब्दुल हफीज़ आदम, हफीज़ होशियारपुरी, ये क्या कहते हैं अहमद नदीम कासमी साहब, और तुफैल होशियारपुरी, वासिफ साहब भी, वासिफ नहीं, वासिफ साहब नहीं, वो ज़रा डिफरेंट सूफीज़म उनका था, कतील शिफाई, कतील शिफाई था जिसको कातिल सिपाही लोग पढ़ते थे बाद कतील शिफाई साहब, तो इसी तरह बड़े बहुत बड़े बड़े लोग आया करते थे हमारे मुशायरे वाले साहब करवाया करते थे, फिर जाते थे कहीं जब उनको दावत होती थी, तो हम अवैशा अदबी ग्रोह बंदियों से पाक मुनज़ा वाले साहब ने भी शायरी की, तो किसी अदबी ग्रोह के साथ वाबस्ता नहीं हुए, इसलिए थोड़ा सा पीछे रहे अदबी हवालों से, लेकिन यह है कि वह न्यूट्रल लोग बुलाते थे उनको, तो कभी कभी हमें साथ भी ले जाते थे, इससे शौक़ बढ़ा। तो जब मुझे कहीं मुशायरे में जाना होता, खसूसन सियालकोट में एक अलामा इकबाल डे पे असगर सदाई साहब मुशायरा कराया करते थे, या वहाँ की इंतज़ामिया से मिलकर डिप्टी कमिश्नर वगैरह, तो वहाँ मुझे फिर मौका भी मिल जाता था, वाले साहब कहते थे यार सलमान भी शेर कहता थोड़े बहुत इनसे भी सुन ले, तो फिर वो एक फ़ख्र का एहसास होना और एक अदब के साथ जुड़ने का और इतनी बड़ी टीम के साथ वाबस्ता होने का, यार मैं फैज़ साहब की मौजूदगी में शेर पढ़ रहा हूँ, फैज़ साहब मुझे दाद दे रहे हैं, मुझे अहमद नदीम कासमी मुझे थपकी दे, तो इससे ये चीज़ें, क्या अजीम लोग थे, हाँ जी, इससे ये चीज़ें हौसला बढ़ा। उसके बाद मैंने फिर शायरी से, आम गज़ल से हट के, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जब मैं था तो इंटरनेशनल ना इंटर कॉलेजिएट इंटर यूनिवर्सिटीज़ मुशायरे होते थे, तो कॉलेज की अपने गवर्नमेंट कॉलेज शेखुपुर की तरफ से मैं ही नुमाइंदा, वैसे भी तब ये एक्टिविटीज़ होती थी, हाँ जो आजकल हमारे जी जी जितने ये जगह हाँ हैं ऐसे नज़र नहीं आती, वही कोई और चीज़ वगैरह, वो म्यूज़िक ने उसकी जगह ले ली, अदब भी नहीं, वो तो वो है अभी भी बस कॉलेजों यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं नुमाइंदगी किया करता था शेखुपुर गवर्नमेंट कॉलेज, तो जहाँ जाना फर्स्ट सेकंड इनाम, बड़े बड़े सीनियर्स शोरा के मतलब के होते थे उस वक्त, यूनिवर्सिटी हम कॉलेज से आते थे, वो यूनिवर्सिटी लेवल के होते थे, कई कई सारी यूनिवर्सिटी में लगाए होते थे उन्होंने, तो उनमें फिर कंपटीशन करना, फिर उसमें से प्राइज़ लेना, तो एक तफाखुर का एक जज्बा पैदा होता था। तो उसके बाद फिर मैं क्या कहते हैं नात की तरफ आया, क्योंकि हमारा एक लिसनर जो है ना मेरी फैन फॉलोइंग में बहुत ज़्यादा एक मजहबी जुनूनी अंसर भी है, जो ख़त्म नबूत के हवाले से, नात के हवाले से, मनकबत के हवाले से,
जो हमें पसंद करता है, हमारे अंदाज़ को पसंद करता है, हमारी तर्ज़ शायरी को पसंद करता है, वो अगर ये मज़ा में फ़ैन फॉलोइंग जितनी है उससे डबल उसमें है। ओके okay. मज़हबी हवाले से मेरी तो मेरे घर में बड़े बड़े उलमा आते रहते हैं और मैं ख़ुद भी बड़े बड़े सेमिनार्स में बड़े बड़े जहादरी किस्म के और बड़े बड़े बू अल्लामे और फहामे लोगों में मेरा माशाल्लाह उठना बैठना रहा, सरकारी नीम सरकारी गैर सरकारी सीरत कॉन्फ्रेंसों में कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में, प्रेसिडेंट की मौजूदगी में, तो मेरी नात का हवाला भी एक बना हुआ। इसी तरह फिर उस पूरी दुनिया में नात के हवाले से मैं जाना जाने लगा, लेकिन उस हवाले से इतनी पजीराई नहीं थी। जब से मैं मज़ा में आया हूँ, फिर चैनल्स पर जब मेरी शायरी आनी शुरू हुई या मैं शोज़ में आना शुरू हुआ, मुशायरों में आना शुरू हुआ, तो इंटरनेशनली मुझे रिकग्निशन मिली और फिर मज़ा के हवाले से ज़्यादा जाना जाने लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू पंजाबी समझी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँच रहा हूँ और लोगों से अवार्ड्स भी ले रहे हैं उनके मुल्कों में जाके। अमेरिका जैसे मुल्क में न्यूयॉर्क में मुझे न्यूयॉर्क के हमारे कौंसलेट ने, पाकिस्तानी कौंसलेट ने वहाँ मुझे शायर इस्लाम का अवार्ड दिया। न्यूयॉर्क के अंदर मुझे शायर इस्लाम, मैंने कहा मैं शायर इस्लाम नहीं, वो अल्लामा इकबाल ही थे। वो कहते वो अपने दौर के थे, आप इस दौर के। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वत, कहाँ अल्लामा इकबाल और कहाँ मैं। तो लेकिन बहरहाल ये उन लोगों की मोहब्बत है, तो इस तरह प्यार करते हैं जी। आज जी जी गले साहब ये बताइएगा, थोड़ी सी मैं आपकी बात को बढ़ाते हूँ। पहली बात तो आपको किसी अवार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, आपने काम किया है माशाल्लाह। असल में एक नात पढ़ने वाला बच्चा जब वो बड़ा होता है, उसके घर का माहौल भी ऐसा होता है माशाल्लाह। आपके वालिद साहब बहुत कम से लोग जानते हैं, लेकिन आपसे जो तलक रखते हैं या वस्ती है उनको तो पता है। आपके वालिद साहब का भी यानी कि नात से और शेर व शायरी से भी तलक रहा है। शायर थे हजरत अमीन गिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, कैदोबंद की सोबते भी खाई, बिल्कुल ऐसे आप उनकी लेगेसी को लेकर आगे चल रहे हैं। तो सर आप अपने वालिद साहब के जिन्होंने बहुत काम किया शायरी के हवाले से, तो आप एक बात तो माशाल्लाह उन्हीं की लेगेसी को लेकर आगे चले, एक पहचान को, लेकिन उसमें एक नई जिद्दत लेकर आए आप तंज और मजाक की। जी जी, जो कि पहले हमने शायरी में नहीं देखी थी। शायरी जब सागर साहब को पढ़ लें आप, फराज साहब को देख लें, फैज़ साहब को पढ़ लें, तो उनकी शायरी में, और फिर जब आपने जब एक नया ट्रेंड लेकर आए, मुतारफ़ कराए, और आप हो गए अरमान मसूद साहब हो गए और भी आपके कुलीग जो ऐसे हैं, तो आपको क्या घर से फिर कोई किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा? आपके वालिद साहब तो सुने बड़े इस मामले में बड़े, नहीं वो क्वालिटी को कम्प्रोमाइज उन्होंने कहा नहीं, आपने इसकी शेप बिगाड़ दी है शायरी की? नहीं नहीं, वो खुद चूँकि शायर थे और वो शेर की बुनत को समझते थे और शेर की ज़रूरत को समझते थे। शेर जो है वो गज़ल क्या चीज़ है, तंज़ो मज़ाक क्या चीज़ है, वो ख़ुद भी तंज़िया शायरी करते थे। जब सियासी शायरी करते थे महरीफ को जब वो बुलाते थे और लड़काते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हमें भी नसीब। अच्छा वो आम गुफ्तगू में भी तंज़ो मज़ाक जो है ना वो चलता रहता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उनकी वजह से मेरे अंदर भी जीन्स में ही ट्रैवल कर रहा था, हमारे आपके डीएनए में था, और वो आपको अंदर से था कि हाँ, कुछ यार वो चीज़ हो। उसके बाद जनाब अपना जिन शायरों का जिक्र किया उसमें उस दौर में जनाब ज़मीर जाफरी जो तंज़ो ज़राफ़त के ही शायर थे, और दिलावर फिगार कराची से, और उस वक्त हिंदुस्तान में भी काफ़ी मजाक के शोरा गुजरे हैं, लेकिन उस वक्त अंग्रेज़ का दौर था तो मज़ाहमती शायरी होती थी, तंज़िया ज़्यादा शायरी होती थी। उसके बाद फिर मिजाह खालस जो है वो जब खुशहाली आ गई, पाकिस्तान बन गया, मुसलमान आज़ादी का एक तसव्वुर सा हो गया और खुशहाली भी आ गई, तो फिर वो मिजाह की तरफ ज़्यादा हो गया, तंज कम हो गई, तंज की आमेजिश। लेकिन मैं समझता हूँ कि तंज हो या मिजाह हो वो दोनों बहुत ज़रूरी हैं ताकि पब्लिक को अट्रैक्ट करते। आजकल की नस्ल की जो किताबों से ज़रा दूर होती जा रही है, असल शेर व अदब से दूर होती जा रही, तो हमने सोचा कि यार लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा जाविया बदला जाए। उस वक़्त बार क्या कहते हैं ऐसे ही बस एक आध शायर को मुशायरे में तंज़िया ज़राफ़त तंज़ और ज़राफ़त के हवाले से
बुलाया जाता था। बाकी मज़ाहिया मुशायरों की जो रिवायात हैं वो कोई 30-35 साल पहले हमारे ज़ियाउल हक़ कासमी साहब, जो अताउल हक़ कासमी साहब के बड़े भाई थे, अच्छा, वो बहुत बड़े अदीब शायर भी थे और हैदराबाद से वो ज़राफ़त का एक रसाला भी निकालते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, खालस मज़ाहिया मुशायरा होना चाहिए। तो उन्होंने इदारों के पीछे पढ़ पढ़ के ये किया कि ये क्रेडिट उनको जाता, ये उनको क्रेडिट जाता। तो पीटीवी पर दूसरे मुशायरे होते थे, आम जनरल मुशायरे जो होते थे, तो इसी तरह पीटीवी से शुरू हुआ, उस वक्त होता ही पीटीवी था, तो पीटीवी पर ईद के हर यानी ईदैन पर एक मज़ाहिया मुशायरा होता था। उससे फिर दूसरे चैनल जब आप बन गए परवेज़ मुशर्रफ़, प्राइवेट चैनल जब प्राइवेट चैनल, तो उन्होंने भी ज़रूरत महसूस की। आम मुशायरे में जब कराते थे तो इतनी उनको रेटिंग वगैरह का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस पर वो उनको बहुत अच्छा एक लगा। उसके बाद तो फिर आपने देखा कि सब ने अपने कॉमेडी शो शुरू कर दिए, जब थिएटर पर थोड़ा सा एक सर्कस बन गया ना जी। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे मुशायरे तो नहीं होते जो होने चाहिए, असल पहचान अदब की तो वही है ना जी। तंतु मिजाज तो एक चटनी है, अचार है, फ्रूट है, असल खाना तो वही है। तो ये मुशायरे अच्छा, उसमें ये होता था कि उन मुशायरों में जब कोई तंजो ज़राफ़त वाला शायर आ जाता था तो लोगों की तवज्जो भी बढ़ जाती थी और उनको उस मुशायरे में कामयाबी का भी इम्कान ज़्यादा होता था कि हमने अनवर मसूद साहब को बुलाया, हमने दिलावर फिगार को बुलाया हुआ है, हम मीर जाफरी साहब को हमने बुलाया हुआ है, हमने सरफराज शाहिद साहब को बुलाया हुआ है, इनामुल हक़ जावेद साहब को बुलाया हुआ है। तो इसी तरह से अब जब मेरा दौर आया 2006 में, मैंने 1994-95 में मैंने पढ़ा था पीटीवी पर मुशायरा मज़ाहिया, लेकिन वही मेरे सीनियर को थोड़ा सा मुझसे हुआ कि यार ये गा के पढ़ता है, ये क्लैपिंग भी ले लेता है, नौजवान नस्ल इसके पीछे ज़्यादा वो लाफ्टर लेती है और इसके क्लैपिंग ज़्यादा करती है, तो वो थोड़ा सा मुझसे मेरे सीनियर थोड़ा सा डरे है कि भाई ये क्या हो गया, हम तो इसको ले के आए थे कि हमारी टीम में इजाफा हो, लेकिन ये तो हमारे भी पानी फेर रहा है, ये कराए तो फिर वो, लेकिन वो कुछ अरसे बाद वो सेटल हो गए थे। देखिए मियां दाद का एक चक्का जो है पूरी टीम को जता दे। तो इसी तरह अगर मुशायरे में कोई नाकामी हो रही है, कोई लोगों को तो दिलचस्पी कम हो रही है, तो आपका एक शायर जो है मजाक का वो मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत हो जाती है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने उस पर कहा ना कि मैं अपने कह कहे दुनिया को देकर खुद अपने गम छुपाना चाहता हूँ, रुलाया है बहुत दुनिया ने मुझको, मैं दुनिया को हंसाना चाहता हूँ। तो ये अच्छा बदला लेना चाहिए ना, किसी ने मुझे गम दिए हैं, तकलीफें दी हैं, तो उसका मैं क्यों उसको बदले में गम और तकलीफें दूँ, मैं उसको हंसाऊंगा जी। मैं इसलिए इस तरफ आया हूँ। अच्छा गिलानी साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सुल्तान राही साहब जब इंडस्ट्री में आए, उन्होंने मूवीज़ की पाकिस्तान में बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाए जो आज तक कोई उसको बीट नहीं कर सके। उनकी जब पर्सनैलिटी को देखा जाए तो अल्लाह ताला ने कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें उनको दी हुई थी, जो अल्लाह ताला ने बहुत बड़े काम उनसे करवा दिया कि आज तक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका जो नेम है वो आज तक वैसे वो रिकॉर्ड बरकरार है। आप जब तंजिया शायरी में आए और ये मजाक की शायरी में, आपकी बसात आपसे मिलकर भी लगता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है और आपकी जो फिज़ीक है, ये सारी उन चीज़ों से अगेंस्ट है जो जिसको कहते हैं कि बनावटी तौर पर तंज कहना या मजाक कहना, उससे कुछ मिसमैच नहीं करती। तो इसको भी मैं कोई अल्लाह की तरफ से अल्लाह की देन कहूँगा, गॉड गिफ्टेड कहूँगा कि ये कुछ अदा ऐसी थी जिस पर हम ना बिकते, ए गालिब तेरी गली में तूने हमें ख़रीद के अनमोल कर दिया। हाँ, असल में ये मेरा प्लस पॉइंट है एक, कि मैं जब इस हुलिये में टोपी दरवेशाना दाढ़ी दरवेशाना शलवार कमीज टखनों से ऊंची शलवार, और मैं जब ये इस हुलिये में जब आता हूँ तो एक अनएक्सपेक्टेडली जब मेरे मुँह से तंजिया और मज़ाहिया बात सुनी जाती है तो एक आदमी चौंकता है, पहले जो जिसने पहले नहीं कभी सुना, अनकॉन्शियसली वो चौंकता है और वो फिर ज़्यादा इंजॉय करता है कि यार ये बंदा क्या कह रहा है। मौली देखो यार ये
हमने तो समझा कोई नाच सुनाएंगे, कोई तलावत करेंगे, यार ये तो कमाल का आदमी, ये देखो ज़रा सुनो, लोगों को बुला बुला के दावत देते हैं कि यार सुनो ज़रा गिलानी साहब को सुनो। तो इस तरीके से ये मेरा एक प्लस पॉइंट है। और मैं इसका जवाब दिया करता हूँ कि अल्लाह के बंदो, जितने भी शोरा गुजरे आज से 50-60 साल पहले, सब दाढ़ियों टोपियों वाले होते थे, जिगर मुरादाबादी को देख ले। लेकिन सर वो ऐसे शेर भी तो कम होते थे ना, नहीं कि आप लोगों को इज़्वाजी ज़िंदगी के ऊपर शेर कह रहे हैं, इश्किया शायरी तो करते थे ना जी ये सारे लोग। मौलाना हज़रत मोहानी की गज़ल, चुपके चुपके रात, जो आज तक भी गुलाम अली साहब ने गा के अनमोल कर दी, बहाना याद है। अब ये रोमांटिक गज़ल है, लेकिन मौलाना हज़रत मोहानी मौलाना थे, लंबी दाढ़ी थी, बाकायदा आलिम दीन थे, वो लखनऊ वाले थे ना, जो शायद यहाँ के भी हों, एक सकाफत थी। मकसद ये है कि ये दाढ़ी और टोपी, ये तो चूंकि हमारा कल्चर अंग्रेज के यहाँ रहा, एक ट्रेंड दे दिया, हाँ उसने एक नया ट्रेंड दे दिया, तो लेकिन ये कोई माने नहीं है आपके शेरो अदम के लिए, आपको उसके लिए। ये हमारे मजाह में ये जो आजकल ये स्टेज ड्रामे हैं या टीवी के ऊपर जो कॉमेडी शो है, उसमें मैंने देखा है वो जवाद वसीम साहब है गालिबन, लंबी दाढ़ी और वो बड़ा हंसाते हैं लोगों को। अब बिल्कुल उनकी भी पर्सनैलिटियों से मिसमैच नहीं, मिसमैच होती है, लेकिन बहरहाल ये ट्रेंड होना चाहिए कि हम लोगों के सीनों में। मैं मौलवी तो नहीं, मैंने ज़ाहिर बताया कि मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़ाई, तो मौलवी मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं बल्कि अगर इजाज़त दें तो मैं इस पर शेर भी मैं जी जी प्लीज सुना दूँ। तो उसके लिए बहुत दिलचस्प वाक्या है एक, कि पीटीवी का मुशायरा था ईद का, तो एक शायर दोस्त ने मुझे मुखातब करके क्लैपिंग लेने के लिए, लॉफ्टर लेने के लिए, एक यूं ही उसने फील बदी एक कथा कहा कि मौलवी में और फैशनेबल लेडी में एक जैसी भी कुछ अकदारें होती हैं, होते हैं गुफ्तार के रसिया दोनों ही, दोनों की ऊंची शलवारें होती हैं। बड़ा उसने लॉफ्टर लिया, क्लैपिंग भी ली, और चूंकि मुझे मुखातिब किया कि मौलवी समझ, तो फिर मैंने उनसे जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला ना समझ, क्योंकि मौलवी लोग शरीफ आदमी, उन्होंने तो जवाब नहीं देना, मैं तो तेरी क्लास का हूँ, मैं भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का हूँ, इसलिए मैंने कहा कि देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला ना समझ, मेरे सर पर मेरी टोपी के इजाफे को ना देख, जाहरी हुलिया मेरा तक के परेशान ना हो, मेरे मजमून को पढ़ मेरे लिफाफे को ना देख। वाह माशाल्लाह। तो फिर मैंने कहा कि टखनों से मेरी इसलिए शलवार है ऊंची, पैदल चलूं जब मैं तो न हूं पाए चे गंदे, फैशन ज़दा लेडी से न कर मेरा तकाबुल, उसके तो ये लड़कों को फंसाने के हैं फंदे। माशाल्लाह। तो ये उनसे ज़्यादा लॉफ्टर मुझे मिला, मेरी क्लैपिंग भी मुझे ज़्यादा मिली, और फिर मेरे दोनों कते टीवी पर चल भी गए, उनका तो चलना भी नहीं था इस लिहाज से, ज़ाहिर है कि अगला जुमा मौलवियों ने उस शायर पर लगा देना था कि तुमने मौलवी की तौहीन की है। तो ये तन्नो मज़ाक, ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये चीज़ें चलती रहती। तो इसलिए अब और भी इस किस्म के कि मेरी दाढ़ी से टोपी से, बाज़ लोग, एक दफ़ा HET वालों का मुशायरा था इस्लामाबाद में, तो डायरेक्टर्स थी खातून कोई, तो उन्होंने मुझे स्टेज पे चढ़ते हुए देखा, तो हाय अल्लाह तालिबान कहाँ से आ गए, डर गई। उसने मुझे कभी नहीं किसी चैनल पे सुना था या मुशायरे। तो हमारे सरफराज शाहिद साहब पीछे थे, इनका अभी ये जब पढ़ेगा ना तो फिर आपको पता चलेगा, ये बहुत शरीर किस्म का रंगीन मिजाज मौलवी है। कहती ओके अच्छा लेट्स सी। फिर जब मैंने पढ़ा तो वो मेरी कहने लगी, बड़ी अजीब बात की उसने कहा, गिलानी साहब मैं आपको, जब आपने पढ़ा नहीं था ना तो मैं डरती रही कि ये यहाँ पर कोई तबलीग ना शुरू कर दे, ये तो कोई अफगानी मौल लगता है, पठान कोई लगता है, और ये यहाँ पर ये कर देगा वो कर देगा, जब तक आपने, लेकिन जब आपने पढ़ा मैं चाहती हूँ कि सारे जहान के मौलवी आप जैसे हो जाएं, और मुझे अगर यकीन हो कि मेरे न मरने के बाद मेरी नमाज जनाजा आप पढ़ाएंगे ना, तो मैं अभी मरने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा तैयार, बहुत अच्छा जी। वैसे मौलवियों से वैसे बड़ी नफरत है, मैंने कहा आप गलत बात, 200-400 मौलवी
इस हुलिये वाले, हमारे इस हुलिये वाले अगर इस्लाम का बंदूक के पकड़ लिया उन्होंने तो बाकियों का क्या बाकियों का क्या आपको ये रायमंड वाले करोड़ों लोग नज़र नहीं आते जो बिल्कुल बेचारे अपने बिस्तर उठाकर अपने खर्चे पर। सर ये पाकिस्तान का ये सॉफ्ट इमेज है ये सॉफ्ट। और मैंने भी अपना सॉफ्ट मैन का मौलवी जो हजरात मुझ पर एतराज़ करते थे ना कि ये जी गिलानी साहब नात करते कहते ये किस तरफ चले गए, क्या मैंने कहा करोड़ों अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं लोग वेस्ट आपके कल्चर को तबाह करने के लिए, एनजीओज यहाँ पे काम कर रही हैं कि मौलवी रदाड़ी का कल्चर ख़त्म किया जाए यहाँ पे। मैं आपको एक सॉफ्ट इमेज दे रहा कि नहीं भाई इस्लाम में तफरी भी एक हद तक जाएगा। वो जो कॉन्सेप्शन है कि जी ये आएंगे तो सैनमे बंद कर देंगे, टीवी के स्टेशन बंद कर देंगे, खेल के मैदान वीरान हो जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। बिल्कुल सही, मैं हम इस छोटी मोटी तफरी के रसूल वसल्लम की का आप सीरत का मुताला करें, सहाबा कराम का, अहले बैत का मुताला करें ज़रा उनकी सीरत का। वो सैयदा आयशा फरमाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मैंने हंसता हुआ चेहरा कभी कोई देखा ही। ये सूफीज़म पता नहीं कहाँ से आ गया, ना हंसना है ना बोलना किसी के साथ, हर कोई ऊपर 12 बजाए हुए बच्चों से भी इस तरफ, ये कोई इस्लाम नहीं है। सर गिलानी साहब इसके ऊपर मज़ीद बात होती है और व्यूअर्स को यकीनन ये इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा हमेशा की तरह। गिलानी साहब एक बड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज आपके यहाँ आके आमद मुझे भी हो रही है बहुत सारी चीज़ों की। गिलानी साहब अमूमन देखा गया है कि एक सहाफ़ी हो जर्नलिस्ट हो और प्रीवियस माजी में देखा गया जो शायर होते थे उनके जो माशी मामलात और हालात थे वो बड़े उलझे हुए थे, बल्कि उनको कहा जाता था कोई बेटी भी नहीं देता था शादी के लिए क्योंकि वो कहते थे तुम पढ़ोगे कहाँ से और कमाओगे कहाँ से तो घर कैसे बनाओगे तो बेटी कैसे हमारी इधर जाके पास। तो अब क्या हालात बदल गए हैं मज़ा आने के बाद कि अब आज का जो शायर मैं देख रहा हूँ डिजिटली वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया और यानी थोड़ा सा इस पर बताइएगा कि अब बेटियाँ दे देते हैं लोग शायरों को? हर शायर को नहीं अभी भी। हाँ अच्छा देखो जी जो शायर कहीं अच्छे स्केल पर काम कर रहा है कुछ मुलाजमत में है या बिज़नेस कर रहा है साथ साथ तो ऐसे शोरा भी मौजूद हैं। ज़्यादातर हमारे प्रोफेसर हैं कॉलेजों के यूनिवर्सिटीज़ के अब्बास ताबिश साहब माशाल्लाह रोज़ाना मुशायरे पढ़ते हैं और फीस भी अच्छी खासी होती है उनकी। इसी तरह रहमान फारस हैं वो उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर हैं। ये चंद एक एग्जांपल्स है ना यानी कि मोस्टली वो ये कहना कि कुछ शोरा अमूमन हालात अच्छे हुए शायर के अमूमन जो यानी कि मुशायरे वगैरह का कितना पैसा आप लोगों को जनरेट हो जाता है? नहीं होते इसलिए कि मुशायरे ऐसे हो ही नहीं रहे, कमर्शियल मुशायरे नहीं हो रहे। और अगर होते हैं तो वो जो कोई इदारा कराता है कोई कंपनी कराती है तो वो अगर कोई मतलब कोई कंपनी का डिनर आया कोई खाना आया फैमिली फंक्शन आ गया तो उसमें एक या दो शायरों को बुला लेते हैं, लेकिन उनकी चॉइस यही होती है कि मजाक का कोई शायर हो ताकि फैमिली को अट्रैक्शन हो जी एंटरटेनमेंट कर सके। तो लेकिन बाजौक भी होते हैं वो कहते हैं कि यार नहीं हमें कोई संजीदा शायर अच्छा बुलाना चाहिए, इफ्तिखार आरफ सकब को बुलाना चाहिए, हमें ताबिश साहब को बुलाना चाहिए। तो इस तरीके से भी है तो चंद लोगों को छोड़ के बाकी सब के हालात उसी तरह ही हैं। अगर कोई मुशायरा कराता भी है बाद लोग तो हजरत पैसे दे के कहते हैं हमें बुलवाया जाए, टीवी वालों को भी कहते हैं हमें पैसे ले के हमें शोहरत दी जाए जस्ट फॉर ब्रांडिंग जस्ट फॉर एडवर्टाइजिंग। तो ये हजरात सबके नहीं हैं ये हालात बेहतर हुए, हम जैसे खुशकिस्मत हैं जिनको आपने तो बहुत कमाया गिलानी साहब अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी एक मुशायरे के कोई कितने 2-3 मिलियन कमा लेते हैं? ऐसा नहीं है, मतलब है कि ये केस टू केस फंक्शन टू फंक्शन इसका वेरी करता है। क्यों? अच्छा चैनलों वालों को तो आप जानते होंगे, चैनलों वाले तो कहते हैं जी आए हो तो की लेके आए हो तो चल रहे हो तो की देखे जाओगे इल्ला माशाल्लाह को बड़े चैनल छोड़ के उनसे हम बात भी कर लेते हैं तो बात तो साफ कह देते हैं कि जनाब हमारा तो शो है वैसे शो है इसके लिए बजट करनी है आप मेहरबानी करें, जैसे दूसरे मेहमान शोज़ में आ जाते हैं सेलिब्रिटीज़ आ जाते हैं आप भी आ जाए। लेकिन हमारे जो गुलकार हैं या कासाएँ हैं या इस किस्म के लोग कहते हैं भाई हम तो प्रोफेशनल यानी कि अभी भी इस मुल्क में अदीब हो राइटर हो चाहे
چاہے مصور ہو چاہے شاعر ہو جی جی اس کے حالات اور واقعات ویسے بھی ہیں بہت ڈفرینس ہے بہت ڈفرینس ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے جب ایسے کوئی معاملات ہو جائے نہیں ہے بس دیکھیں نا ایک اسلام آباد میں سی ڈی اے والوں نے مسلم فنکشن کرایا ایک گلوکار کو بلا لیا جو ٹو تھرڈ سیکنڈ یا تھرڈ لائن کا بندہ کوئی اتنا ٹھیک ہے تو ایک ہم مسلم مجھے بلا لیا اب میں نے ان کو بکا بھی 20-25,000 روپیہ تو میرا ٹریولنگ کا خرچہ ہے گاڑی کا آنے جانے کا آنے جانے کا خرچہ ہے اس کی وہ باقی چیزیں الگ ہیں جو اس کا تیل بدلی ہوگا یا اس کے بعد گاڑی کی ڈپریسیشن ہے جو لیکن یہ صرف خرچہ ہے ٹریولنگ کا خرچہ ہے تو ڈرائیور کو بھی دینا ہوتا ہے تو جی بس ٹھیک ہے لیکن چلو 25,000 30,000 دے دیں گے 35 دے دیں گے اب یہ بڑے ادارے جو ہمارے سرکاری ادارے بھی تو بڑی بارگیننگ کر کے جی چلو 50,000 ہم دے دیں گے 25,000 گاڑی کا خرچہ تو 25,000 کو کافی ہے جی ایک رات اب میرے ساتھ ہی وہاں پر ایک اور دوسرے تیسرے نمبر کے درجے کا گلوکار ہے تو میں نے وہ اتر نہیں رہا تھا گاڑی سے وہ اتار رہے تھے وہ کہہ رہے تھے پہلے پیمنٹ کرو ایڈوانس دو لیکن یہ تو چیزیں ہمارے چلو معاملات ایڈوانس کے چلتے رہتے ہیں وہ 6,00,000 پہ اس کو لائے ہوئے تھے اور ہمیں 50,000 پر وہ بڑا من تو اس قسم کی شاعروں کے حالات ابھی اسی طرح ابھی بھی اتر ہے چلیں ہوپ فلی اللہ تعالیٰ اچھا کرے آپ لوگوں کے لیے گلائی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک اچھے شعر کہنے کے لیے دل سے جو مذاق کرتے یا طنز کرتے ہیں یا ایک اچھے شاعر بننے کے لیے کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ عشق کا روگی ہونا ضروری ہے جنہوں کہتے ہیں عشق پٹا ٹھیک ہے تو آپ نے کبھی ایک عشق کیا کہ آپ کو روگ لگا اس کا کہ یہ وراثتی معاملے کہیں گے آپ لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں یہ ایک ایسے ہی ایک پرسیپشن قائم کی گئی ہوئی ہے کوئی حقیقت میں ایسا کچھ نہیں 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 مطلب ہے کہ کسی ایک کو چوٹ لگی نہیں آپ ساگر صاحب کو دیکھیں ایک مثال دے دیں گے ساگر صدیقی کی مثال فیض صاحب کو دیکھ لیں نہیں نہیں ان کی شاعری میں ان کی شادیاں آپ کو نہیں نہیں وہ جو شادیاں کر رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ محبتیں وغیرہ تھا کا کوئی مسئلہ نہیں کوئی چوٹ ووٹ عشق کو وہ بہت زیادہ پروموٹ چوٹ ووٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے فیض صاحب کا بھی مطلب ہے کہ تھوڑا بہت کسی کے ساتھ ہوا فلرٹ کرنا یہ تو شاعروں میں اور خصوصاً اس قسم کے اس لیول کے شعرا میں تو تھا وہ تو قاسمی صاحب کو دیکھ لیں کون سے قاسمی ندیم احمد قاسمی صاحب کیا ہوا ان کو سر وہ بھی عشق کو بہت زیادہ نہیں نہیں عشق پر بات کرنا یہ تو ہم زور طبیعت کی بنا پر بھی کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں قرون اولا سے اسی طرح چلا آ رہا ہے یہ ایک فرضی باتیں ہوتی ہیں الا ماشاء اللہ میں 100 میں سے 2 یا 4 نے اگر کسی کو روگ لگا اور اس کی شاعری میں سوز و گداز آ جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ شاعر یا پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بنایا نہیں جا سکتا بنایا نہیں جا سکتا اوکے یعنی کریشن نہیں ہے جتنی مرضی چوٹیں لگیں اوکے وہ شاعر ہوتا ہے بالکل ٹھیک شعر میں جان پڑھنا شعر میں سوز و گداز پڑھنا شعر میں تاثیر کا پیدا ہونا یہ جو ہے یہ کسی بھی وجہ سے چوٹ کوئی کسی کا والد فوت ہو گیا بہت اس کی افیلیشن تھی اس کے ساتھ والدہ فوت ہوئی بہن اس کو وہ یعنی کہ بنا کے تو وہ اس کو وہاں وہ اس کے اوپر اس کی ایک دم کایا پتہ پلٹ جاتی ہے وہ اپنے شاعری اس کے اندر سوز آ جاتا ہے اس کے اندر ایک جاذبیت آ جاتی ہے اس کے اندر ایک تو اس کو یعنی کہ کر لے تو الگ بات ہے سلمان صاحب ڈیجیٹل ورلڈ میں آج کل ہم اور آپ دنیا بدل چکی ہے پہلے آپ کے وہ آتے تھے بکس آتی تھی لکھی جاتی تھی شعر و شاعری کے حوالے سے اب آپ لوگوں کو بھی دنیا بدلتی دنیا کے ساتھ ڈیجیٹلی اپنے سارے جس کو کہتے ہیں جتنے اشعار ہے اس کو ایسی بکس کی شے میں ڈیجیٹلائز کرنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ ہو سکیں یہ چیزیں ایسا ہی ہے جی میں نے بتایا میری کتابیں ہیں اور اس کے علاوہ اب آج کل فیس بک واٹس ایپ انسٹاگرام ان چیزوں پر یہ ساری چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں جی اس وقت لوگوں کے پاس جو جن کے پاس یہ چیزیں ہیں بلکہ ہر ایک کے پاس ہی ہیں جو کسی کا فین ہے وہ اس کی چیزیں سنبھال کے رکھتا ہے جی میرے پاس اتنی میری چیزیں نہیں ہوتی بعض دفعہ باہر میں نے آپ کے فالوورز دیکھے ہیں میں نے دیکھے ماشاء اللہ آپ کے بڑے لوگ محبت کرتے ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں کافی الحمدللہ
मैं तो फेसबुक वगैरह पे पता नहीं था मैं ये यूट्यूब का या कुछ, लोगों ने हमारे यूट्यूब के नाम पे हमारे नाम पे चैनल बनाए हुए हैं, कमाइयाँ कर रहे हैं उनके लाखों में उनके वो सब्सक्राइबर्स हैं। और मुझे किसी ने कहा जी आपने नहीं किया हुआ, मैं कह यार मैं कहाँ इन चीज़ों में पढ़ूँ। तो अभी तो 6 महीने पहले 5 महीने पहले मैंने अपना एक अपने नाम पर किसी से कहा मैंने यार बनाओ ज़रा मेरा भी चैनल, लेकिन वो जब लोग सर्च करते मेरे नाम को तो मेरे पुराने वो दूसरे खोल जाते ज़्यादा, वो ऑलरेडी जो मौजूद हैं वही आते हैं उसके, वही चले अच्छी बात है, फैज तो फैज है वो मिलता रहेगा, कोई मसला नहीं। ग्रानी साहब अभी कोई ऐसा अदारा होना चाहिए जो आप जैसे लोगों को सपोर्ट के लिए हो, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव गम ज़िंदगी का हिस्सा है। ये मेरा ख्याल है हर दौर में हुकूमतों में, भुट्टो साहब ने भी वो नेशनल सेंटर पाकिस्तान नेशनल सेंटर की बुनियाद रखी, उसके वाले से इसी तरह ये हलके बने हुए थे अदब को प्रमोट करने वाले, उसके लिए नेशनल क्या कहते हैं आर्ट कौंसिल बनी हुई हैं, अभी हैं लेकिन वो इतनी फाल नहीं कह सकते। तो ये इनको चाहिए, कराची वालों ने माशाल्लाह अहमद शाह साहब है उन्होंने बड़ा फाल किया अभी पिछले दिनों, बहुत अच्छा उन्होंने पूरे पाकिस्तान में कोशिश की है कि कराची आर्ट कौंसिल की तरफ से पाकिस्तान में कश्मीर में मुजफ्फराबाद में मुशायरा कराया, उन्होंने अदबी कौंसिल कॉन्फ्रेंस की, मुझे बुलाया मैं खैर जा नहीं सका, मैं शायद बाहर चला गया उम्रे पर, तो इस तरीके से कराची उन्होंने मुझे बुलाया मेरे साथ, उन्होंने सेशन रखा बाकायदा मजाहिया सेशन रखा अलग, मुशायरे भी कराए। तो इस किस्म के ना हमें चाहिए के इदारे मौजूद हों और हुकूमत उनकी सरपरस्ती करे, ज़रूरी है जी, हाँ जी। दुनिया में हर जगह होता है, हाँ जी। बात मतलब है कि आप PTV पर सरकारी चैनल है उस पर आप कोई अदबी प्रोग्राम भी रखें, अब रात गए एक प्रोग्राम होता था वसीशा किया करते थे 12 बजे रात को, ना कोई देखे थे ना कोई सुने, मतलब है कि आपने ये कमाल भी कर दिया आसान भी कर दिया, देखें जी हमने प्रोग्राम रखा। तो फिर वो चीज़ें भी तो वैसे प्रमोट होगी ना। गिलानी साहब बातें तो वाकई बहुत है आप जैसी शख्सियत के सामने बैठ के, और बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में भी आ रही है आपसे पूछने के लिए। सर आखिर के ऊपर ना मैं चाहूँगा आप हमारे व्यूज़ के लिए कोई कलाम पढ़ें, ऐसा कलाम जिसमें भरपूर गिलानी साहब की पहचान भी हो और हमेशा एशियन ट्रेड TV के हवाले से वो लोगों को याद दिलाता रहे कि सलमान गिलानी साहब ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में हमारे मेहमान थे। देखिए जी मेरे पास तो मैं तो हूँ डिपार्टमेंटल स्टोर, उसमें मुख्तलिफ शोबे हैं ख़रीदो फरोख्त के, तो मेरे पास हमद भी है नात भी है मिज़ा भी है गज़ल भी है मनकबत भी है और क्या कहते हैं ये नज़में भी हैं, लेकिन अच्छा फिर मज़ाह में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप मियाँ बीवी के हवाले से हमारा जो तंज़ो मज़ाह की शायरी है ना ज़्यादातर बकौल इनाम साहब के जो मज़ाहिया शायरी है वो मनकुआ के गिर्द घूमती है और जो मज़ाक संजीदा शायरी है वो महबूबा के गिर्द घूमती है। अच्छा, तो उलट है। लेकिन हमने उसको इस कैनवस को वसी किया, जो माशरती मसाइल हैं उस पर ज़्यादातर हम बात करते हैं ताकि लोगों को पता चले। मसलन देखे ना कि महंगाई पर हम भी जाहिर है कि उससे मुतासर हैं, तो मैंने कहा कि अजब गरानी का आया है दौर क्या खाएं, अजब गरानी का आया है दौर क्या खाएं, हर ऑप्शन पे किया हमने गौर क्या खाएं, हर ऑप्शन पे किया हमने गौर क्या खाएं, चिकन भी अब तो मियाँ जी पहुँच से है बाहर, चिकन भी अब तो मियाँ जी पहुँच से है बाहर, गरीब खोते न खाएं तो और क्या क्या खाएं, गरीब खोते न खाएं तो और क्या खाएं? क्या खाएं। और इसी तरह मैंने कहा कि रन मुरीदी का हमें ताना दिया करते हैं दोस्त, हम फकीरों का असासा कोई रन से बढ़ के है, 40 kg से वो रन 140 kg हो गई, नैब कहती है असासा आमदन से बढ़ के है। हम जो है ना करंट इश्यूज बस भी कहते हैं, कहते रहते मियां बीवी का मौजू तो ठीक है, शेरो सुखन की लज्जत क्या जाने खुश्क सूफी,
नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं। शौहर के दिल में क्या है हर बीवी को खबर है, बीवी का मूड शौहर थोड़े ही जानते हैं। और बेजौजगी के मारे क्या जाने दुख हमारे कवारे, बेजौजगी के मारे क्या जाने दुख हमारे, जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं। जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं। सर पे टोपी मुंह पे दाढ़ी हाथ में तस्बीह थी, जी रहे दे अच्छे खासे इस फकीरी भेस में। सौ का नजराना कालिक खातून से जू ही लिया, पुलिस हमको ले गई ममनू व फंडिंग केस में। पुलिस हमको और मेरा कहा कि मैं मौलवी तो नहीं मौलवी नुमा तो हूँ, ना दे तू हलवा मुझे रोज फिरनी दे दे, एक और शादी का मुझको भी शौक है यार अब, न शाहजादी कोई दे फकीर नहीं दे दे। जो एक दम से मुझे एक दम बना दे वजीर, तू मेरे अकद में एक ऐसी पीर नहीं दे दे, मेरे अकद में एक ऐसी पीर नहीं दे दे। और मैं अर्ज कर दूं कि लोग मुझे मौलवी समझ लेते, इसका मैंने ये जवाब दिया कि ऐसे मौलवी तो दाढ़ियों वाले तो बेशुमार हैं माशाल्लाह, लेकिन उनका किसी भी मस्जिद मदरसे से कोई ताल्लुक नहीं, जैसे मेरा नहीं है। तो मैंने उनसे भी कहा कि ऐसा मौलवी मैं ही अकेला मौलवी नहीं हूँ फैमिली में, मेरे भाई सूफी अब्बा सूफी है, ये तो फिर इंसान है, मेरे घर में तो साबुन सूफी घी का डब्बा सूफी। वेरी गुड माशाल्लाह, नवाजिश, बहुत 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 मेहरबानी गिलानी साहब जी। सलमान साहब बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, और मुझे यकीनन और मेरे व्यूअर्स को भी यकीनन ये जब प्रोग्राम देखेंगे तो एक तारीखी और हिस्टोरिकल प्रोग्राम है एक ये जो आज जिसमें आप हमारे गेस्ट थे, याद रहेगा हमेशा। स्पेशली आपका जो कलाम है ये तो वैसे ही हम भी और आजकल जितने यंगस्टर्स हैं वो उसमें एक फोबिया की तरह फैल चुका हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला जो उसमें पैगाम है वो उस पर अमल करें, बाकी औरतों वाला के औरतों के अगेंस्ट वाला नहीं अगेंस्ट में शादी वाला, हाँ अल्लाह ना करे कोई किसी के अगेंस्ट नहीं है, बाकी हल्की फुल्की चलता रहता है मजा, मुसीकी नहीं कहते हल्की फुल्की, तो छेड़छाड़ होती है मियां बीवी के प्यार की मोहब्बत की अलामत। और आप जैसे लोगों की वजह से ही शायद सोसाइटी अभी बाकी है, और आप भी लोग सोसाइटी का हुसन है, और यही पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है जो कि मेरा दारा एशियन ट्रेड टीवी ख्वाबों से तबीर तक इस प्रोग्राम में दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ शाहिद मियां को इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए, उम्मीद है कि आप इस सफ़र में यूं ही हमारे साथ रहेंगे हमेशा की तरह। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर में तेल डाल दूं। सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे, अब आपने घर क्यों बेच दिया? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं वहाँ घर टूट जाते हैं, ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।